जी तो ये वो पार्क है जिसकी मैंने आपको बात की थी, कासिम पार्क। यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री है, इतना खूबसूरत मनाजिर है। अब मैं आपको अंदर एंटर होते हुए जी नाज़रीन, तो ये पार्क है, इसकी ना तीन स्टेप हैं पार्क के ना, तो ये पहला स्टेप, दूसरा और तीसरा, तीनों में आपको लेके चलता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ कि ये तीनों स्टेप किस तरीके से हैं पार्क के ना जी। तो ये किले का हो जहाँ से आप अंदर एंटर होते हो वाला हिस्सा है, और ये सामने जो दरबार है शाह रुकन उद्दीन आलम साहब का दरबार है, बहुत मशहूर दरबार है। जब भी मुल्तान की हिस्ट्री होती है तो ये दरबार आपको दिखाई देता है, तो ये मुल्तान की पहचान है, एक अल्लाह वाले हैं जी। तो अब हम ये छोटे से पार्क से बाहर आए हैं, तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कासिम पार्क के अंदर, और रास्ते में दिखाता हूँ जो चीज़ें हैं यहाँ पर। काफ़ी स्टॉल लगे हैं खाने पीने के, ये खवातीन जो हैं चूड़ियाँ रख कर बैठी हुई हैं, जो यहाँ पे खवातीन आती हैं वो इनसे चूड़ियाँ अपने हाथों पर चढ़वा लेती हैं। उससे आप आगे आएँ तो यहाँ स्टॉल हैं खाने पीने के, और लिखा है कि मुल्तान को साफ रखें, तो प्लीज़ आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, खाएँ पिएँ, पिकनिक करें आप, लेकिन जो कूड़ा करकट है वो डस्टबिन में डालें, ताकि इर्द गिर्द का माहौल जो है वो साफ़ सुथरा रहे। इस तरफ देखें जो है वो आपने देखा होगा कि सोलर पैनल लगे हुए हैं, और ये पूरे जो है किला जो है इसकी जितनी भी लाइट जो है ना वो आप यहाँ से ले रहे हैं लोग, ठीक हो गया। इससे आगे थोड़ा सा आएँगे तो लिखा है पुलिस खिदमत सेंटर है, यहाँ पे आप अपना जो है वो FIR वगैरह करवा सकते हैं, पुलिस रिपोर्ट करवा सकते हैं, क्राइम रिपोर्ट है, तो दिल्ली जो मुलाजमान हैं इनका अंदराज करवा सकते हैं आप, किराएदारी का अंदराज करवा सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ट्रैक्टर सर्टिफिकेट आप यहाँ से आप ले सकते हैं, और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आप यहाँ से ले सकते हैं। तो पीछे एक वैन भी आपको नज़र आ रही होगी, और इसके पीछे एक मस्जिद है जो आपको नज़र आ रही है, बहुत प्यारी मस्जिद है, माशाल्लाह बनी हुई है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, ये एक तोप रखी हुई है यहाँ पर, पुराने ज़माने की है, और आप आगे चलते हैं इससे जी। तो दोस्तों ये है कासिम पार्क के एंट्रेंस, बाहर से फैमिलीज आ रही हैं अंदर। ये बहुत ही कदीम और पुराना पार्क है, बहुत खूबसूरत पार्क है ये, और इसको तीन हिस्सों में तकसीम किया गया पार्क को। तो आए मैं आपको पहले हिस्से में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि पहले हिस्से में क्या चीज़ें हैं, ठीक हो गया, फिर आगे चलते हैं जी। दोस्तों तो ये पार्क की दो साइडें, एक दाईं साइड है एक बाईं साइड है, जहाँ भी आप नज़र दौड़ाएंगे आपको पौधे नज़र आएंगे माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारे किस्म की कटिंग हुई हुई है, सीटिंग एरिया बहुत प्यारा है। तो ये भाई सब हमें देख के हंस रहे हैं, और ये भाई हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, कहते हैं हमारी भी तस्वीर ले लेते हैं, हम भी मशहूर हो जाए। ये अंकल जी हैं, तो इन्होंने हेडफोन पे कुछ लगाया हुआ सुन रहे हैं। मैंने कहा मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा अगर आप नाराज़ ना हो, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप बात करें। मैंने कहा अंकल गर्मी सुनाएं कैसी है, तो उन्होंने कहा जी गर्म मौसम है, ये अल्लाह का दिया एक मौसम है, गर्मी तो मुल्तान में वैसे बहुत मशहूर है बेटा। तो मैंने कहा आपका लिबास जो है वो यहाँ का नहीं लगता, और मैंने कहा मैं उमरा करके वापस आया हूँ, तो घर आया तो यहाँ गर्मी ज़्यादा थी, लाइट नहीं थी, तो बच्चों ने कहा आए आपको हम पार्क में घुमाते हैं, तो मैं यहाँ ज़रा थोड़ा सा घूमने के लिए आया हुआ था। जी आगे चलते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी फूल तोड़ना मना है। वैसे यकीन करें मुझे यहाँ पे फूल नज़र नहीं आया, अगर आपको कोई नज़र आए तो प्लीज़ मत तोड़िएगा, इस तरह पार्क की खूबसूरती जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। पौधे हैं यहाँ पर, इनको मत तोड़ें आप।
जी, तो अगर तो आपको वॉक करने की आदत है तो आप ये स्टेप उतरते हुए परेशान नहीं होंगे, अगर आपको नहीं है तो मेरी तरह आपका सांस फूल जाएगा भाई। वॉक लाजमी करें यार। जी दोस्तों, ये एक साइड है, यहाँ पर पंजीरी उगाई हुई है, इन लोगों ने लगाई हुई है, मतलब ये कि पौधे लगाए हैं छोटे छोटे गमलों के अंदर, तो इनको रोज़ पानी देते हैं ये लोग, ऐसे थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर ये पार्क के अंदर इसको लगा देंगे। तो यहाँ से मैं आता हूँ इस तरफ, ये देखिए सामने आपको एक एयरक्राफ्ट नज़र आ रहा है, और ये बच्चे देखें यहाँ पर खेल रहे हैं, कुछ फैमिली बैठी हुई हैं। ये पहले एयरक्राफ्ट मैं बता दूं कि चौक हमारा पे लगा हुआ था, चौक को खुला कर दिया उन लोगों ने, वहाँ पे फिर वो बन गए, वे पुल बन गए, तो उन्होंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अगर आपका भी दिल करे कि एयरक्राफ्ट पे बैठ के आप सैर करें तो आप यहाँ पर आएँ, इसके ऊपर बैठें, देखें, आप इंजॉय करें, इसके साथ पिक्स लें। अब मैं आपको आगे ले कर चलता हूँ। अच्छा, तो एयरक्राफ्ट की हिफाजत के लिए जी ये सिक्योरिटी गार्ड भी फिर रहे हैं यहाँ पे, ज़रा ख्याल कीजिएगा। जी दोस्तों, तो इसके बारे में ये सामने आपको कुछ चीज़ नज़र आ रही है, मीनार से नज़र आ रहा बना हुआ है, इसके बारे में काफ़ी कहानियाँ मशहूर हैं। तो मेरी भी एक इंतजामिया के बंदे से बात हुई, इसलिए उसने बताया यार 80s के दौर में जो है ना अंग्रेज़ हुकूमत थी, तो वहाँ पे दो अफसरान थे, उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ और उनकी डेथ हो गई, तो उन लोगों ने जो है उनको यहाँ दफन कर दिया, और उसके ऊपर एक ये निशान बना दिया, अलामती निशानियाँ बना दी यहाँ पर, ताकि वो जो कबरी और निशानियाँ वो ख़त्म ना हो। तो हम पाकिस्तानी हैं, हमें इससे क्या लगे, हम तो कुछ भी कर सकते हैं जी। तो ये देखें भाई साहब यहाँ बैठ के पिक्स बना रहे हैं, ये देखें तो वीडियोस बना रहा है यहाँ पर, देखिए शाम का मंजर हो गया है और कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, ये सामने आपको एक ग्राउंड नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से, इस ग्राउंड के बारे में मशहूर है, इंजमाम भाई यहाँ पर आके जो है वो प्रैक्टिस किया करते थे, और एक मैच में उन्होंने छक्का मारा था, वो जो गेंद बाहर आके गिरी थी यहाँ पर, ये कहानी बहुत मशहूर है यहाँ पर। जी दोस्तों, अगर आप वॉक करते हैं तो आपके लिए सीढ़ियाँ उतरना कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप मेरी तरह वॉक नहीं करते तो आपके लिए ये सीढ़ियाँ उतरना बहुत मुश्किल है, मेरी तो चढ़ते हुए बस हो गई थी और वापसी उतरते हुए बस हो गई है। आगे चलते हैं। जी दोस्तों, तो हम चलते हैं पार्क के दूसरे हिस्से की तरफ, तो ये सामने आपको एक वाटर टैंक नज़र आ रहा होगा येलो कलर का, तो इसने अपने वक्त में काफ़ी काम किया होगा, तो अभी इसको म्यूज़ियम में रख दिया गया है, तो ये बूढ़ा हो गया है, अब बच्चे जो हैं आते हैं इसके आसपास खेलते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, रह गया बस, क्योंकि इसने अपनी उम्र पूरी कर चुका है, इसने बहुत खिदमत की लोगों की, अब लोग इसकी खिदमत करते हैं। ये सेकेंड फ्लोर है, इसके पौधे लगे हुए हैं बहुत खूबसूरत किस्म के लगे हुए हैं, ट्रैक है बैठने के लिए, बेंचेस पड़े हुए हैं, और आगे आए तो ये, तो अब आगे चलते हैं हम, जहाँ भी नज़र डालें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दरख्त लगे हैं, पौधे लगे हुए हैं। ये हमारे कुछ दोस्त हैं, ये बैठे हैं पार्क के अंदर अपने गमों को दूर करने के लिए, दो दोस्त आए हैं, मेरा ख्याल ये घर से शायद नाराज़ होकर आए हैं। अच्छा नहीं भाई, नाराज़ होकर नहीं आए, ये दो दोस्त हैं आपस में यहाँ बैठे हैं। ये है जी पानी का टैंक रखा हुआ है, नीचे कूलर है, ठंडा पानी आप यहाँ से पी सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत पार्क है, बसी जगह है, यहाँ नज़र दौड़ाएँ आपको सब्जा ही सब्जा नज़र आएगा, ये बहुत बहुत खुशाइन बात है। और आई थिंक यार ये शायद कोई दरबार टाइप है, लेकिन इस तरह के पौधे ना आपको रेगिस्तान के अंदर नज़र आते होंगे, यहाँ पर ले जाएंगे जी। तो ये है तीसरा स्टेप, तो गया ये, अब हम नीचे उतर रहे हैं, स्टेप उतर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या खास चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये ऊपर से नीचे आने का रास्ता है, इस तरफ देखते हैं आप, कितना साफ सुथरा और ख़ूबसूरत पार्क है, मेरा दिल खुश हो गया यार यहाँ पे आके। तो आप लोग भी ज़रूर आएँ यहाँ पर, और मेरी इंतज़ामिया से को एक मुबारकबाद देता हूँ कि यार उन्होंने इतना खूबसूरत इस पार्क को रखा हुआ है, बड़ा मेंटेन करके रखा हुआ है इस पार्क को, देखते हैं हर तरफ जो है वो हरियाली ही हरियाली है, बहुत ही खूबसूरत मंजर है जी। तो ये वाला जो रोड मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ से करीब से आकर, ये ऊपर किले से ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये रोड से निकलता है हुसैन की तरफ, तो साथ ही गुलरी है, गुलरी का मतलब यहाँ पे कबूतर वगैरह होते हैं, परिंदे हैं, जानवर वगैरह होते हैं। ये मस्जिद की बिल्कुल बैक साइड पर मार्केट बनी हुई है,
और ये रोड सीधा जो है वो दौलत गेट की तरफ भी निकलता है। जी दोस्तों, तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकूं, और आप लोगों से यार एक रिक्वेस्ट है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में गर्मी की शिद्दत की लहर जो बढ़ रही है, उसकी वजह क्या है आप सोचें। मुझे समझ में ये आता है कि यार हम लोग दरख्तों को बहुत तेज़ी से काट रहे हैं और पौधे नहीं लगा रहे, तो प्लीज़ यार आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएँ, दरख्तों को बचाएँ, आप इनकी हिफाजत करें। कुछ जो है आप फलदार दरख्त लगाएँ, कुछ सायादार लगाएँ, ताकि उनके साए में आके परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं। ठीक हो गया, उसके करीब पानी का इंतज़ाम करते हैं थोड़ा सा, और खाने का ये है कि आप दाना डाल दें वहाँ पे, तो परिंदे जो हैं वहाँ पे आएँ, खा पी लें और थोड़ा आराम कर लें। इससे जानदार भी हैं, जानवर भी हैं, इंसान भी हैं, सब लोग फ़ायदा उठाएँगे। और दूसरी बात यह है कि आप इस पार्क में जब आएँ, किसी भी पार्क में आप जाएँ यार, तो आप पिकनिक मनाने के लिए आते हैं ज़रूर आएँ, और अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लेकर आते हैं। उसके रैपर वगैरह जो है वो डस्टबिन में डालें, इस तरह खुले आम मत फेंकें, इससे खूबसूरती जो है पार्क की वो ख़त्म हो जाती है। और इस के साथ साथ एक और भी है कि मैंने भी ऐलान सुना है कि किसी का बच्चा गुम हो गया है, तो यार आप फैमिलीज आती हैं, बच्चों को साथ लेकर आते हैं आप लोग, तो प्लीज़ यार अपने बच्चों को अपने साथ रखें, उनको खेलने के लिए तो मत छोड़ दें, तो वो ज़हरी बात खेलते खेलते आँखों से ओझल हो जाते हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं। तो ज़हरी बात जिनका बच्चा उनकी आँखों से ओझल हो जाए, इस तकलीफ़ को वो बेहतर जान सकते हैं, तो प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल करें। ठीक हो गया, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं आपसे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।